नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और दोनों ही पक्षों के बीच कड़ी बहस के बाद सुनवाई है वो कंप्लीट कर दी है और हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट की तरफ से 24 जुलाई पर इस पूरी सुनवाई का फैसला है वो सुनाया जाएगा। साथ ही विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए, उनसे आग्रह किया है कि 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर किसी तरह की कार्रवाई विधानसभा स्पीकर है वो ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी मनमुटाव चल रहा था, अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान का अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और इसीलिए सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से बाहर निकालने के लिए भंवरी देवी प्रकरण 2 है उसकी साजिश रच दी थी। उसी तरह से राजस्थान की बीजेपी में भी इसी तरह का खेल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की बीजेपी राजनीति से बाहर निकाल के उनको दिल्ली में एक बड़ी जगह है वो दे दी गई है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया दोबारा राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहती है और इसीलिए ये पूरा गेम जो विधायकों की खरीद फरोख्त का खेला गया था और ये इसमें कहीं ना कहीं महारानी का इन्वॉल्व होना भी सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने 5-7 दिन पहले एक बड़ा आरोप महारानी पर लगाया था। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहा था कि सीकर के 2 विधायक, एक जाट समाज से और एक जो शेखावत समाज से, उन दोनों से वसुंधरा राजे सिंधिया ने संपर्क किया और अशोक गहलोत को समर्थन करने जैसी चर्चा उससे की और उनके बाद उन 2 विधायक जो सीकर से जयपुर आ रहे थे, रास्ते में उनके पास वसुंधरा जी का फोन आया। उसके बाद वो वापिस सीकर लौट गए अपने घर को, यानी कि वो जयपुर नहीं पहुंचे। इस तरह का आरोप हनुमान बेनीवाल की तरफ से लगाया गया तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और पूरी तरह से इसका खंडन किया। लेकिन दूसरी बार जब सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है जो ये खरीद फरोख्त मामले को लेकर के गजेंद्र सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। इसको लेकर के अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी वसुंधरा राजे सिंधिया गजेंद्र सिंह शेखावत को पायलट की तरह ही राजस्थान की बीजेपी राजनीति से बाहर करना चाहती है और इसीलिए मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जो जांच में खुलासे हुए हैं, उसके बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आने वाले समय में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, गजेंद्र सिंह शेखावत की काफी लोकप्रियता राजस्थान में है और कहीं ना कहीं उनका मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी की तरफ से दिखाना, ये वसुंधरा राजे सिंधिया यानी कि महारानी को पसंद नहीं है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक नारा चला था कि मोदी तुमसे कोई बैर नहीं, महारानी तुम्हारी कोई खैर नहीं, यानी कि मोदी जी से कोई बैर नहीं है, इसलिए उनको 25 की 25 सीटें लोकसभा में दे दी गई। लेकिन जो विधानसभा के अंदर महारानी से जो मनमुटाव लोगों का था, जनता का था, उसका बदला पूरा लिया गया और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई। सिर्फ महारानी के साथ जो नाराजगी लोगों की थी, जनता की थी, उसी की वजह से सरकार नहीं बना पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस के रूप में जो दिखाना है वो शुरू कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर के गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की तरफ से अगले उम्मीदवार ना बन जाएं, इसलिए वसुंधरा राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में कई गेम कर रही है। अब विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के जो अशोक जी की जांच हुई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। अशोक जी ने कहा है कि हम तस्करों की फोन रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसी दौरान हमें भारत मालानी और अशोक सिंह, 2 लोग हैं जो विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के जो बातचीत कर रहे थे, वो सामने आ गए।
यानी कि तस्करों की रिकॉर्डिंग की जा रही है, और उसी दौरान ये जो दो लोग निश्चित तौर पर भरत मलानी और अशोक सिंह, ये जो कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की बातचीत कर रहे हैं आपस में, इस तरह से अचानक से अशोक जी के सामने आ जाते हैं, ये बात एक तरह से गले नहीं उतर रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये बात जो अशोक जी की तरफ से बताई जा रही है ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो पहला नाम लिया गया है अशोक जी की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के, वो है भरत मलानी। अब भरत मलानी है कौन? भरत मलानी जो महारानी काल में काफी वसुंधरा जी के काफी करीबी रहा है, व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी ये वसुंधरा काल में रह चुका है, उनके समय में वसुंधरा के करीबी नेता मेघराज लोहिया, जो जोधपुर के वसुंधरा के काफी करीबी नेता हैं बीजेपी के मेघराज लोहिया, अब भी भरत मलानी उनके साथ रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर के नेता मेघराज लोहिया के साथ भरत मलानी रह रहा है, यानी कि ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये जो भरत मलानी है वो वसुंधरा राजे सिंधिया का काफी करीबी रह चुका है, फिलहाल भी वो काफी करीबी है। एसओजी की तरफ से दूसरा जो नाम लिया गया, दूसरा कैरेक्टर था संजय जैन, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि संजय जैन है कौन। जयपुर के बनी पार्क में ये रहता है, और उसके आसपास के लोग, जो आसपास के पड़ोसी हैं, वो यही कहते हैं कि संजय जैन हमेशा उन्हें कहता था कि आपको किसी तरह का कोई काम हो, किसी भी तरह का कोई भी रिलेटिव काम हो तो आप मुझसे कहिएगा, वसुंधरा जी से कह करके वो काम करवा दूंगा, यानी कि वसुंधरा के वो काफी करीबी था। इस तरह की बातें उन्होंने महारानी काल में कही थी, यानी कि पिछली यूपीए की सरकार के दौरान कही थी। कुल मिलाकर के वसुंधरा से अगर उनको कोई काम पड़ता है तो तुरंत प्रभाव से संजय जैन से संपर्क कर सकते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने अपने आस पड़ोस के अंदर कह दी थी। कई तस्वीरें भी वसुंधरा के साथ इन इसकी है वो सामने आई है, लोग कह भी रहे हैं कि संजय जैन के महारानी के साथ काफी अच्छे और करीबी संबंध थे। कुल मिलाकर के ये दोनों नाम, जो पहला भरत मलानी, दूसरा संजय जैन, ये दोनों तो वसुंधरा के करीबी है, ये स्पष्ट हो चुका है। तीसरा कैरेक्टर इसमें आया अशोक सिंह, ये खान व्यवसायी है वैसे तो, और वसुंधरा जब भी उदयपुर जाती थी तो उनके स्वागत में सबसे पहले सबसे आगे जो माला लेकर के खड़ा होता था वो होता था अशोक सिंह। जी हाँ दोस्तों, अशोक सिंह भी वसुंधरा के करीबी नेताओं में से एक है। अशोक सिंह जो तीसरा करेक्टर अशोक जी की रिपोर्ट में, अशोक जी की जांच में सामने आया है, वो निश्चित तौर पर महारानी के नजदीकी कहा जा सकता है। हालांकि इन सभी नेताओं को लेकर के बीजेपी ने खंडन किया है कि उनकी समझ में से बाहर है कि वो कब बीजेपी के नेता बन गए थे, लेकिन कुल मिलाकर के महारानी के ये तीनों काफी नजदीकी हैं। और चौथा करेक्टर जो आज ही आया है, आज ही नई नई एंट्री हुई है, वो है करणी सिंह, जो बांसवाड़ा से है। जी हाँ दोस्तों, ये चौथा कैरेक्टर करणी सिंह बांसवाड़ा कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये वसुंधरा के करीबी नेताओं में से एक चुटवैया नेता रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये भी महारानी का एक करीबी चुटवैया नेता रह चुका है। कुल मिलाकर के ये चारों कैरेक्टर जो एसओजी की जांच में सामने आए हैं, सभी के सभी महारानी के करीबी हैं। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया के सामने आकर के कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे इंसान को, एक ईमानदार नेता को, इस तरह से बदनाम करना कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, और उसी का हिस्सा ये चारों नजर आ रहे हैं। यानी कि चार लोग एसओजी की जांच में सामने आए और चारों के चारों ही महारानी के करीबी रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो राजस्थान में बीजेपी अगला मुख्यमंत्री का फेस बनाने जा रही है, चेहरा बनाने जा रही है, उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल उठ चुके हैं राजनीति में कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की राजनीति से दरकिनार करना चाहती है। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की साजिश रच करके गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम किया है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है, या फिर निश्चित तौर पर यह सिर्फ एक संयोगी है। संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो नेताओं के नाम गिनाए गए हैं बीजेपी की नजरों में, ये सिर्फ सड़क छाप नेता हैं, और कई तो ऐसे हैं जो बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष तक रह
रह चुके हैं। कुल मिलाकर के अब कहा जा सकता है कि ये पूरी साजिश का कहीं ना कहीं हिस्सा ये चारों लोग हो सकते हैं। महारानी के साथी होना, महारानी के नजदीकी इस तरह से अपनी लाइफ जो इन्होंने बिताई है उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल बीजेपी में भी खड़े हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल की तरफ से सबसे पहले वसुंधरा को लेकर के आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं वसुंधरा अपना नया बड़ा बंगला बचाने के लिए, इसके अलावा कहीं ना कहीं अपनी जो घोटाले किए होंगे या और किए होंगे उनकी जांच को कहीं ना कहीं रोकने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से अशोक गहलोत को समर्थन किया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी दिखाई पड़ रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की बीजेपी जो राजनीति है बीजेपी की, उससे बाहर निकालने का काम वसुंधरा ने कर लिया और इसके लिए ये साजिशें भी रची गई। यानी कि एक तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और अब फिलहाल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन दोनों के जो हाथ की कठपुतली बनकर के रह गए हैं सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट को दरकिनार करने के लिए अशोक गहलोत की तरफ से बावरी देवी प्रकरण 2 की साजिश रची गई। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया के जो नेताओं द्वारा, उनके नजदीकियों द्वारा जिस तरह से ये गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करने की साजिश रची गई है, ये भी कहीं ना कहीं अब इन दोनों के तार हैं वो आपस में जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो एक कहावत है कि चोर चोर मुसेरे भाई। अब कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत दोनों, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ होकर के अशोक गहलोत सरकार को बचाने में जुट गए हैं। अब विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है कि वो विपक्ष में बैठे हैं या सत्ता में बैठे हैं। कुल मिलाकर के जो कहानियां, जो साजिशें कांग्रेस में रची जा रही थी वही सेम टू सेम बीजेपी में भी रची जा रही होंगी, इस तरह के सवाल हैं वो अब उठने शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर के महारानी के नेतृत्व पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है और जो इस तरह से ये कंडीशन से सामने आई है, जो अशोक जी की जांच में जो सामने आया है उससे स्पष्ट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि महारानी का भी अशोक गहलोत सरकार बचाने में कोई ना कोई बड़ा हाथ हो सकता है और उसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को भी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से दूर करने का प्लान भी कहीं ना कहीं जो महारानी है वो बना चुकी है। और इसी प्लान एवं साजिश का खुलासा एक तरह से हनुमान बेनीवाल पहले से कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात को दबा दिया गया था। अब ये बात कहीं ना कहीं तूल पकड़ती हुई भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अशोक जी की तरफ से कहा गया कि वो तस्करों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फोन टेपिंग कर रहे थे, उसी दौरान इन दोनों की जो फोन टेपिंग सामने आई, गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज उसमें है, इसके अलावा भंवरलाल शर्मा की है, विश्वेंद्र सिंह भी बिक चुके हैं, ये है वो है, 25 करोड़ से 35 करोड़ में बिकने की बातें हो रही है, इस तरह का जो ये पूरा मामला सामने आया अशोक जी की तरफ से कि तस्करी के लिए जो फोन टेपिंग की जा रही थी लेकिन बीच में विधायकों की खरीद फरोख्त सामने आ गई इसलिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये एक तरह से हर आदमी के गले नहीं उतर रहा है, ये पूरी की पूरी सोची समझी चाल है और इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में बदनाम करने के लिए इस तरह की चाल है वो चली गई, इस तरह की साजिश है वो बनाई गई, जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि महारानी और गहलोत के बीच में कहीं ना कहीं कोई तार जरूर जुड़े हुए हैं। फिलहाल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ जो साजिशें रची और दूसरी तरफ महारानी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जो साजिशें रची, उन पर आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।